अलीगढ़ में आखिर ये बवाल क्या हो गया है? मामला तो चोरी करने का था बस, इतना बड़ा बवाल आखिर हो कैसे गया और पुलिस अब इसमें क्या कर रही है? देखिए, पहले दूसरे हिस्से से शुरू करते हैं वरुण। निश्चित तौर पर बेहद संवेदनशील मामला है और उत्तर प्रदेश में आज जो इतनी घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि उनमें क्योंकि हम एक पूरे उत्तर प्रदेश का एक राउंड अप रख रहे हैं, शायद सबसे बड़ी घटना यही है जो अलीगढ़ में हुआ है। आपने जो आखिरी हिस्सा पूछा कि इस वक्त पुलिस क्या कर रही है, अभी भी जो तमाम जानकारियां मिली हैं या पुलिस की ओर से जो बयान आए हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से ये है कि देखिए, अलीगढ़ में अभी भी जो तनाव का माहौल है वो बरकरार है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सामान्य हो गया या वो जैसा कि शहर सबके लिए खुलता है वो वैसा हो गया हो, वैसी चीजें नहीं हुई हैं। अब हुआ क्या था ये समझना पड़ेगा। तो करीब 24 घंटे से कुछ कम वक्त पहले कल देर रात को मामू भांजा इलाका है और वहां पर एक कपड़ा व्यापारी है मुकेश चंद्र मित्तल, उनके घर में जो पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया गया और जो पहली शिकायत आई वो ये आई कि उनके घर में चोरी के इंटेंशन के साथ, यानी चोरी करने की नियत के साथ, एक 35 वर्षीय युवक घुसा था जिसका नाम फरीद उर्फ औरंगजेब बताया गया। और जब व्यापारी परिवार को ये पता चला कि उनके घर पर कोई आया है तो उन्होंने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी चोर समझकर। और जब उसकी पिटाई की गई तो ये बताया जाता है कि उसकी इतनी पिटाई की गई और लाठी डंडों का भी इस्तेमाल हुआ कि उसकी हालत वहीं काफी खराब हो गई थी। और गंभीर हालत में जब जिला अस्पताल उस व्यक्ति को ले जाया गया, उस शख्स को ले जाया गया, तो उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद जो मृत शख्स था, यानी कि फरीद या औरंगजेब आप उसको जो कह ले, उनके परिवार ने इस मामले में एक दूसरा मुकदमा लिखाया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार का जो शख्स था औरंगजेब जो था वो चोरी करने नहीं घुसा था, बल्कि चोरी की बात तो इस पूरी कहानी को साजिशन दी जा रही है, उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या कराई गई है। और उन्होंने नामजद, यानी कि बकायदा नाम लिखकर मुकदमा दर्ज करवाया लोगों के खिलाफ, और उस पूरी FIR में 7 नाम थे। एक अपडेट ये भी है कि 6 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, 6 लोगों को, 4 लोगों को जानकारी के मुताबिक देर रात को, और उसके बाद 2 लोगों को आज दिन में पुलिस ने पकड़ा। और इस तरीके से जो 7 लोगों के नाम थे उनमें से 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो 2 अलग अलग मामले, एक व्यापारी पक्ष की ओर से जो व्यापारी परिवार की ओर से आरोप लगाया गया, जो पुलिस के पास दावा किया गया वो ये कि चोरी करने घुसा था, इन्होंने पकड़ा और मारा। उसके बाद जो मृतक है, मृतक के परिवार की ओर से जो पुलिस के खिलाफ पुलिस में जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो ये था कि चोरी जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, बकायदा उसको साजिशन पकड़ा गया, मारा गया, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस पूरी कहानी को एक नाम दिया गया। जो आरोप लगा रहा है औरंगजेब का परिवार वो ये कि फिर आरोप ये लगा दिया गया कि वो चोरी की नियत से घुसा था ताकि वो उसको एक तरीके से आत्मरक्षा में बता सके। अब वरुण, मामला कहाँ खराब हुआ, ये देर रात की घटना थी, देर रात को ये 4 लोग गिरफ्त में आ गए। सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसने राजनीतिक रंग भी ले लिया और यहाँ से अलीगढ़ का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तनाव में आया। अलीगढ़ के उस इलाके में पूरा का पूरा तनाव फैला। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई स्थानीय नेता मृतक के घर पर पहुंचे और वो वहां पर प्रदर्शन करने लगे कि व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश का और हत्या का, इन दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कराया जाए। और वो तो ये भी कहने लगे जब तक 7वें शख्स की गिरफ्तारी नहीं होगी जिसके खिलाफ नामजद मुकदमा है, वो कब्रिस्तान शव को नहीं ले जाएंगे। वो जो अंतिम क्रियाकर्म करने होते हैं, दफन करने की जो रिवाज होता है, प्रक्रिया होती है, वो शव को दफन नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को, स्थानीय नेता को जब जानकारी मिली और व्यापारी संगठनों को जब ये जानकारी मिली तो वो भी दूसरी तरफ प्रदर्शन में आ गए कि अगर कल को कोई चोरी की नियत से उनके प्रतिष्ठान में इस तरीके से प्रवेश करेगा तो क्या वो कार्रवाई नहीं करेंगे। तो व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी पक्ष की ओर से, यानी कि जिन पर आरोप लगा है मारने का, उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई जो स्थानीय नेता हैं वो दूसरी ओर इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हत्या के प्रयास का और सुनियोजित तरीके से हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों की, क्योंकि मुकदमे हुए थे, दोनों तरफ से संज्ञान लेते हुए जो हमारे पास पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आया वो ये कि 302 का मुकदमा, यानी कि हत्या का मुकदमा पुलिस ने पंजीकृत कर लिया और उसी धारा में, जैसा मैंने आपको बताया, कि 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। फिलहाल जो स्थिति है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन को पुलिस ने अलग करवा दिया, वहां से लोगों को हटवा दिया, लेकिन अभी भी जो तनाव है वो वहां पर मौजूद है। इसीलिए जी तनाव बना हुआ है और पुलिस की कोशिश ये भी है कि एक तो तनाव कम हो और दूसरा जरूरत पड़ने के हिसाब से, जो एक हम कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, आसपास के इलाकों पे भी, या जो रिजर्व पुलिस होती है उसको भी कहा गया कि वो वहां रहे, वहां पर गश्त को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि व्यापारिक संगठनों की बात है, मुख्य बाजार की बात है, ये ना हो कि अलीगढ़ जैसा जो प्रमुख शहर है, बड़ा शहर है, एक ये तनाव किसी तरीके से 2 वर्गों के बीच का तनाव बन जाए, और दूसरी बात जो प्रतिष्ठानों की लड़ाई है या जो शहर की बंदी है वो लंबे समय तक ना हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।